नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियाई इतिहास के सवालों के बारे में जो यूपीएससी और एसएससी की तैयारी में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर वन, भारत में परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? जवाब है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके तहत जमींदारों को अपनी जमीन का मालिक बना दिया गया। सवाल नंबर टू, अशोक का सबसे मशहूर शिलालेख कौन सा है? जवाब है अशोक का 13वां एडिक्ट। इसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के मन में हुए बदलाव और धम्म की नीति के बारे में बताया गया है। सवाल नंबर थ्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जवाब है 1885 में एओ ह्यूम ने। कांग्रेस का मकसद था इंडियाइयों को एक रूल पॉलिसिक मंच देना। सवाल नंबर फोर, काकोरी कांड कब हुआ था? जवाब है 9 अगस्त 1925 को। इस घटना में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की कोशिश की थी। सवाल नंबर फाइव, चंपारण सत्याग्रह का लीडरशिप किसने किया था? जवाब है 1917 में महात्मा गांधी ने। भारत में ये उनका पहला आंदोलन था। सवाल नंबर सिक्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? जवाब है बाल गंगाधर तिलक ने। उनका ये नारा इंडियाई स्वतंत्रता संग्राम में बहुत मशहूर हुआ था। सवाल नंबर सेवन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? जवाब है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने। ये आंदोलन भारत की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सवाल नंबर एट, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? जवाब है 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने इस मार्च के जरिए नमक कानून का विरोध किया था। सवाल नंबर नाइन, किस संधि के तहत अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था? जवाब है 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का राज आ गया। सवाल नंबर 10, किस इंडियाई रूलर ने अपने रूल का भारत में विलय करने से मना कर दिया था? जवाब है हैदराबाद के निजाम ने। बाद में इंडियाई सेना ने ऑपरेशन कमल के जरिए हैदराबाद को भारत में मिला लिया। तो दोस्तों, ये थे इंडियाई इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।